शिकायत लेकर अगर से निकलते हैं और आरक्षण की मांग करते हैं, तो आपने कहा है कि जो मिलने वाला था वो भी रुक जाएगा क्योंकि क्रेडिट फिर इनको मिल जाएगा। क्रेडिट के चक्कर में मुसलमानों को आप पहले आप उनको पूछो सवाल कि भाई तेलंगाना में 12% की तुम बात क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी औकात यहाँ बात करने की कहाँ है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अरे भाई जो चीज़ लेने की हैसियत रहे वो तो मांगे, तुम्हारी हैसियत जहाँ नहीं है और जहाँ हैसियत है वहाँ मांगते नहीं हो, तो बेवकूफ़ बनाने के धंधा लोगों करते क्यों। सर आज एक आज के सवाल है, आज जो है तो तिरंगा रैली लेकर सरकार इंडिया जो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं मुसलमानों को आरक्षण के लिए, आप क्या कहेंगे सर? मैंने तो इससे पहले भी आपने पूछे तो मैंने कहा था, मेरे से पूछने के बजाय उनको एक सवाल आप करो कि तुम्हारी MIM तेलंगाना में TRS के साथ कोलिशन में है, 12% का वादा TRS ने किया उसको तुम वहाँ पर बोलते नहीं हो, उससे मांग नहीं करते हो, डिमांड नहीं करते हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में उसका हल्ला गुल्ला करते हो, तुम्हारी सरकार नहीं, तुम्हारी बात सुनने जाने वाली नहीं, तुम्हारी अहमियत नहीं, तुम्हारी अहमियत एक BJP के दलालों की अहमियत तुम्हारी है और तुम ये बताना चाहते हो कि हम मुसलमानों के मसीहा, तुम एक BJP के दलाल है, इससे ज़्यादा तुम्हारी अहमियत नहीं है। सर, लेकिन और ये जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है उस पर तो हम लड़ रहे हैं और वो बात हमारी चल रही है और वो होने वाला है, तो इनको पता है कि ये होने वाला है तो ये क्रेडिट चोर है, इसलिए इनके आंदोलन की वजह से जो होने वाला रिजर्वेशन भी अभी रुक जाएगा क्योंकि काम करना है ये सरकार ने और क्रेडिट देना है इनको, ये कहाँ का उसूल है। सर हर टाइम इलेक्शन के सामने जो है तो उन्होंने ऐसा बताया कल कॉन्फ्रेंस में कि मुसलमानों को लॉलीपॉप चॉकलेट दिया जाता। अरे भाई आपने क्या करा आकर आप उनको ये सवाल करो कि जिस जगह आपकी सरकार है, आप जिस सरकार में हो वहाँ आपने क्या किया, पूरे 50 साल का अगर इतिहास अगर आप देखेंगे तो हाथ गाड़ी वाला हाथ गाड़ी लौट रहा है, रिक्शे वाला रिक्शे ही चला रहा है, 20,000 करोड़ का तुम्हारा दारुस्सलाम का बजट कैसा होता है, लोगों को रिक्शा वालों को लोन देके उनका खून चूस के इंटरेस्ट लेते हो, तुम कौन सी मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों के लिए तो सूद हराम है, तुमने तो सूद की फैक्ट्री खोल दी हो, कहाँ की हमदर्दी हो तुम्हारे पास। लेकिन सर फिर डर क्यों लग रहा है हमको, मुंबई तक पहुँचने क्यों नहीं दिया जा रहा है सर, सरकार आपकी है। अब ये जो डर लग रहा है नहीं लग रहा का सवाल सबसे अहम ये है कि सरकार अपनी कानून से चलती है और सबके लिए 144 लगाया हुआ है, आप मजमा इकट्ठा बहुत बड़े पैमाने से नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जाके बम्बई में सुनिए बात, बम्बई में जाके अगर तुम धुमाकुड़ करेंगे और कल वेरिएंट के मामले पे अगर कोई मामला खड़ा होता है तो मुश्किल का सबब किसके लिए बनने वाला है, वो सबके लिए है, उनके लिए है, हमारे लिए है, कहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं आप देखो, कहीं भी महाराष्ट्र के अंदर में कहीं भी बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं और ये जो मोर्चे की तुम बात कर रहे हो वेरिएंट से पहले हुआ है मोर्चा, जबकि माहौल अमनपुर था उसके बाद वेरिएंट आया है। लेकिन आप सपोर्ट में हैं मुस्लिम आरक्षण के? एक हजार टके मुस्लिम आप तुम लोग कैसी बात करते हो, सपोर्ट का क्या सवाल है, अरे ये रिजर्वेशन हम लेके रहेंगे और हमारी पार्टी देके रहेगी, ये अवले गौले लोगों के बोलने से कोई कार्यक्रम बदलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, कब मिलेगा सरकार आपकी, है फिर से इलेक्शन आएगा फिर सरकार बदल जाएगी फिर वही? इंतजार करो इंशाल्लाह इसी सरकार के अंदर ये रिजर्वेशन मिलेगा और 5% ये जो रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में जो है ये इंशाल्लाह हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है और हमारी सरकार इसमें बहुत सीरियस है, हमारी कई मीटिंग इसमें हो चुकी है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ।